खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवी में उप कोषागार भवन और आवासीय भवन का शिलान्यास किया। 1,28,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कोषागार भवन और आवासीय भवन के निर्माण के लिए कार्य आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कोषागार के निर्माण से विभाग को अपना भवन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त होगा और अपने कार्य को निपटाने में सुविधा मिलेगी। आज यहाँ स्थानीय मंडल स्तरीय ट्रेजरी भवन का शिलान्यास किया गया, उसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिसके भवन बनने से अपना भवन विभाग का बनेगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, कर्मचारियों को एक अच्छी सुविधा यहाँ प्राप्त होगी और विभिन्न विभागीय कार्यों को निपटाने के लिए सभी प्रकार से यहाँ सुविधा उपलब्ध होगी। और यहाँ 1,28,00,000 से यह सारी बिल्डिंग जो है निर्मित होगी और 1 साल के अंदर अंदर इसको तैयार करके जो है वो समर्पित किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। भारतवर्ष के और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस में हमारे भारतवर्ष के बहुत से वीरों ने बड़ा अपना योगदान दिया है, जो हमें हमेशा हमें याद है और उसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हुए हैं। पूरे देश में तरक्की हो रही है। एक बार मैं पुनः अपने उन वीरों को भी प्रणाम करता हूँ, शहीदों को जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, और हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाई।